एवरीवन, दिस इज ब्यूटी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी मम्मी के घर पे हूँ और संडे है आज, और आज मैं जाऊँगी शाम से। और अभी सुबह हो गई हमारी, गुड मॉर्निंग हो गई, सब लोग सुबह उठ गए हैं। अभी थोड़ा सा आज नाश्ते में लेट हो गया, मतलब ब्रेकफास्ट में, क्योंकि आज मम्मी बना रही हैं, 11 बज गए हैं। मम्मी बना रही है पीठा, क्योंकि मैं बोली थी पीठा बनाने के लिए, मेरा फेवरेट है। किसको किसको पसंद है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आपको कि मम्मी बना भी ली हैं, बस उसको तल रही हैं, फिर हम लोग खाएंगे। तो गाइज, ये है पीठा जो कि चावल का पीठा बनता है। इसके अंदर आलू का चोखा भरा हुआ है, जो कि मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा बनाती है और इसको तल भी रही है। मेरा फेवरेट है, मुझे जब भी खाने का मन करता है ना, मम्मी से बोल देती हूँ, मम्मी मेरे ससुराल में भी बना के भेज देती है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है मम्मी के हाथों का ये पीठा। मुझे खुद बनाने नहीं आता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो ये टमाटर की चटनी के साथ अभी हम लोग खाएँगे इसको। तो अभी सुबह के 10 बज गए हैं और हम लोग रेडी हो गए, मतलब मैं रेडी हो गई हूँ क्लास जाने के लिए। लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि फिर कैंसिल करना पड़ा। सर से बात हुई और भी फ्रेंड लोग से बात हुई, तो बस आज का कैंसिल। माइक्रो टीचिंग था आज, हम लोग को जाना कंपलसरी था, बट आज का क्लास कैंसिल हो गया, क्योंकि कोई भी बच्चा जाएगा ही नहीं, तो फिर कैसे जाएंगे हम लोग। बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है अभी इस टाइम में, बारिश हो रही है। तो अभी तो देखो, मैं ड्रेस वगैरह पहन के रेडी भी हो गई थी, बाकी जा रही हूँ मैं ड्रेस चेंज कर लेने, और देखती हूँ अभी थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लूँगी। चलो ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। एक्चुअली बारिश हो रही थी बहुत तेज़, फिर हम कहीं बाहर गए भी नहीं, घर में कभी कुछ ज़्यादा सूट नहीं किए, मतलब तबीयत थोड़ी सी अजीब हो गई थी, मन नहीं कर रहा था, तो उस दिन ब्लॉग शूट नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी मैं पतिदेव के साथ जा रही हूँ कॉलेज, क्योंकि आज मेरी फ्रेंड नहीं है, मैं अकेले थी तो मैं जा रही थी। यहाँ पर इतनी सारी फ्रेंड मिल गई, बहुत सारे लोग आज आए हैं, क्योंकि अभी माइक्रो टीचिंग चल रहा है हमारे कॉलेज में, तो जितनी लड़कियाँ क्लास नहीं भी करती हैं ना, तो वो भी माइक्रो टीचिंग में उनको आना कंपलसरी होता है, तो अभी बहुत सारी गर्ल्स आ रही हैं। तो अभी हमारा चल रहा था, मतलब वही बातचीत, गप्पे सप्पे, थोड़े हम लोग बात कर रहे थे। फिर जहाँ लड़कियाँ रहेंगी वहाँ पे फ़ोटो, वीडियो, रील्स ये सब ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? वो तो होना ही है। तो फिर हम लोग खूब इंजॉय किए। अभी लंच का टाइम था, मतलब मुझे लग रहा है 15 से 20 मिनट का टाइम मिला होगा लंच के लिए, उसमें हम लोग खूब रील्स शूट किए और वीडियो बनाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रोज़ चुराने, आज है रोज़ डे। और ये तो क्लोज है, इसके बाद ये तो क्लोज है, उधर से जाना पड़ेगा। गुलाब तोड़ने, आज है 7 फरवरी रोज़ डे, ठीक है। देखते हैं, देखो ये गुल दिखाना नहीं किसी को, ठीक है। ये रिम जी, जो बड़ा हो एक वहाँ पे वो है, वो तो खराब है। अरे जब चलेगा फिर भी, अब बढ़िया है वहाँ पे है ना? नहीं बढ़िया नहीं है, अड़हुल है। हाँ अड़हुल है, कली ले लेते हैं ना। हाँ इतना सुंदर कली है। अरे दिखा थोड़ा सा दूरी पे हो जा। हाँ स्टार्ट। तो आप पीछे मुड़ जाइए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी मस्ती चल रही है, और ये हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कैसे हम लोग वीडियो शूट करेंगे, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा आएगा, तो हम लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे थे। बाकी यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत शूट हुआ, फिर हम क्लास करेंगे, क्लास करने के बाद फिर यहाँ से छुट्टी होगी, तो मैं आज सीधे चली जाऊँगी रेस्टोरेंट, घर पर नहीं जाऊँगी। तो मेरा मन ना बहुत कुछ खाने का मन कर रहा था, तो फिर मैं आज घर नहीं गई, सीधे मैं आ गई रेस्टोरेंट, और यहाँ पर मैं जो भी खाना था मुझे मैं खाई, उसके बाद पतिदेव के साथ अब चलूँगी मैं घर। हेलो गाइस, तो आज है 7 फरवरी और आज है अमन जी का बर्थडे। सो पहले से कुछ ज़्यादा प्लानिंग नहीं था, बट सडनली प्लान बनाए, तो हम लोग रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। अपने ही रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो घर से मम्मी भी नहीं जाएंगे क्योंकि रात हो गई है, मतलब 8 बज रहे हैं रात के, और भाभी भी नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी छोटी सी बुच्चिया है अभी, तो वो लोग नहीं जा रहे हैं। दोनों लोग बस मैं, बिट्टू और अथर्व, और मेरे हस्बैंड तो वहाँ पे हैं ही, और अमन जी, बस इतने लोग जाएंगे। शादी हो रही है तो आज लगन भी बहुत ज़्यादा है, बाहर पूरा गाना बजाना हो रहा है, फिर हम लोग चलते हैं, हम लोग बर्थडे पार्टी मना के आ रहे हैं। अथर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जाने के लिए। चलो मम्मी चाची को बर्थडे में चलो।
तो फिर मैं आ गई हूँ रेस्टोरेंट में और होगा सेलिब्रेशन थोड़ी देर में। फिर वो अच्छा बच्चा है ना, आने वाला है। ले हो गया ठीक है, बना देंगे। अमन जी कहाँ है, तू बर्थडे मनावे चल मेरे घर। तो फिर यहाँ पर फिर से मतलब रात के 9 बज रहे थे और मैं आ गई हूँ रेस्टोरेंट में और यहाँ पे अमन जी का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। पतिदेव केक मंगा लिए हैं। फिर यहाँ पर अभी हम लोग सब लोग जुट गए, जितने लोग आना था आ गए हैं। बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, मतलब नॉर्मली अपने लोग आ गए, अपने में खुद एक छोटा सा सेलिब्रेशन होगा। बाकी अमन जी अपने फ्रेंड के साथ भी सेलिब्रेशन किए थे और ये फैमिली के साथ थोड़ा बहुत है। तो बस हम लोग यहाँ पर पार्टी इन्जॉय करेंगे, केक कटिंग करेंगे, डांस होगा, रील्स होगा, वीडियो होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी। और बस आप मेरे ब्लॉग में बने रहो। अथर्व को तो खूब मज़ा आता है, बस बोलते रहता है मम्मा चलो केक कटिंग करने, गोविंद चाचू का बर्थडे मनाने। तो फिर अभी हम लोग आ गए हैं, अब सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा। बाकी अब वीडियो को खुद ही एंजॉय करो। तो भाई जब केक कटिंग हो गया, पार्टी शार्टी हो गया, तो अभी खाना तो बनता है ना, तो अभी जितने लोग आए हैं खाना खा कर ही घर जाएंगे। तो बस हमारा खाना पीना चल रहा है। खाने में था बटर नान, उसके बाद पनीर, मशरूम और मैंचूरियन, इतने सारे चीज़ थे। और फिर हम लोग खाना खाएंगे, खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जिसको भी आना है वो मेरे रेस्टोरेंट में आ सकता है। यहाँ पर एक साथ हम लोग जितने सारे लोग जुड़ते हैं ना, बस सबकी बातें चीतें होती रहती है। सब लोग बातचीत कर रहे थे, खाना पीना भी खा रहे थे, खूब इंजॉय किए हम लोग। अभी आई थिंक रात के 11 बज रहे होंगे, फिर 11 बजे हम लोग जाएंगे घर। और घर जाने के फिर बाद फिर मुझे नेक्स्ट डे क्लास भी जाना होगा, तो बस इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करके जाना पड़ता है। आज मेरा मन नहीं था उतना आने के लिए, लेकिन फिर भी जाना पड़ा क्योंकि फिर नेक्स्ट डे क्लास है, तो वो भी करना कंपलसरी है अभी। तो मैं जाऊंगी घर, फिर सुबह में क्लास भी जाऊंगी। अथर्व खा रहा है अपना, फिर घर जाके दिखाती हूँ, मिलाती हूँ एक छोटी सी बच्चे से। तो यहाँ पर देखो, ये है अथर्व की धन्नू, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और ये देखो,
क्यूटी ये नहीं जा रही अभी, क्योंकि हमारे यहाँ 6 महीना तक कहीं नहीं जा सकती है जब तक इसकी इसका चटौना नहीं हो जाता है। जब इसका चटौना हो जाएगा ना, तब ये बर्थडे पार्टी बाहर मतलब कहीं भी जाने लगेगी। जब तक चटौना नहीं होगा मतलब अन्नप्राशन और नहीं होगा, तब तक ये कहीं नहीं जा सकती। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय।